मेरी माँ को फोन मिला दो। पंत ने हादसे के बाद क्या कहा? ड्राइवर ने बताई पूरी कहानी। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का दिल्ली से रुड़की जाते समय नरसान बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में ऋषभ पंत को काफी चोटें आईं और इसके बाद वह मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती हैं। लगातार मेडिकल टीम उनके साथ संपर्क में है और उन्हें हर मेडिकल सुविधा पहुंचा करके पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BCCI, DDCA, तमाम लोग, तमाम अधिकारी ऋषभ पंत के साथ जुड़ गए हैं और उनके परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं। मुलाकात की जा रही है और ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हो जाएं, जल्दी से मैदान पर वापस लौटें, इसी की कोशिश जारी है। ऋषभ पंत की बात करें तो उनके शरीर के कई हिस्सों में चोट आई है और लगातार उनके ट्रीटमेंट को डॉक्टर्स की टीम पूरा कर रही है। बहरहाल ऋषभ पंत की बात करें तो दिल्ली से रुड़की जाते समय डिवाइडर पर उनकी गाड़ी जा टकराई, जिसके बाद ऋषभ पंत ने शीशा तोड़कर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन पीछे से एक हरियाणा रोडवेज बस आ रही थी, जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की गाड़ी को देखा। उन्होंने इंसानियत के नाते अपनी बस को साइड में रोक कर ऋषभ पंत को उनकी गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ऋषभ पंत को पहचान नहीं सके। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, तब ऋषभ पंत ने कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ, भारतीय टीम का क्रिकेटर हूँ। इसके बाद जो कुछ ऋषभ पंत ने कहा वो ड्राइवर ने अब बताया है। ऋषभ पंत ने सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर से यही कहा कि आप मेरी माँ को फ़ोन मिला दीजिए, मेरी माँ से मेरी बात करवा दीजिए। जिसके बाद ड्राइवर ने कहा कि हमने उनकी माँ को फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आया। तब ऋषभ पंत ने कहा कि यह सुबह का समय है, शायद मेरी माँ सो रही होंगी। सुनिए क्या कुछ ड्राइवर और कंडक्टर ने उस रात की बीती हुई कहानी के बारे में बताया। ये तो एक्सपायर हो चुका है, हमने उसको घसीट के बाहर निकाल दिया, उस पर कच्चे वाले उस पर डिवाइडर पर ले गए। मैंने बाप उसको छोटा, मैं ये परमजीत उसके साथ था, मैंने देखा भाई गाड़ी में कोई पर्सन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में इस टाइम तो कोई ना कोई पर्सन होगा। मैं इतने में वो होश में आ गया, थोड़ा बोलिया वो बोले अब इसमें कोई नहीं। मैं भाग के आया, मैं भाई साहब इसमें गाड़ी के ड्राइविंग कोड कर रहा था, बोला मैं ही कर रहा था, मैं कोई इसके अंदर और, बोला कोई नहीं, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मैं कोई बात नहीं, नया सा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो उसने बताया कि मेरी थोड़ी आँख की चपकी लगी, तो मैं फिर आपको पता था ये कौन है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था सर इसके बारे में। हम तो एक आम इंसान है, हम इंसानियत का परिचय देते हुए हम तो उसकी वो कर रहे, हेल्प कर रहे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ पंत और साथ ही उनके परिवार के साथ मुलाकात की है। BCCI के तमाम अधिकारी लगातार ऋषभ पंत उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह ही DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने भी ऋषभ पंत और उनके परिवार से मुलाकात की थी। जो कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।